दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यहाँ पर देखिए ये खाद से भरा हुआ ट्रक डिवाइडर में चढ़ के लौट गया। और दोस्तों हुआ क्या है कि दोनों एक ही कंपनी की गाड़ी थी, देखिए पीछे आपने देखिए इसी कंपनी की गाड़ी खड़ी थी। और ये हमारे यहाँ लोकल की गाड़ियाँ हैं और इनकी कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और जब एक ही कंपनी की गाड़ी है साथ साथ चलती है तो आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि ड्राइवर जो है अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं और कई बार रेस भी लगाने लगते हैं। तो उसी रेस में जो है एक पहिया डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया और गाड़ी जो है वो नीचे गिरी आकर के। और देखिए इसका चेचिस वगैरह सब टूट गया है, पहिए ये सब उखड़ गए हैं। तो आपने जो है बहुत सी बार शॉर्ट वीडियो भी देखे होंगे जिसमें ड्राइवर लोग जो है लहरा लहरा के गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं कई बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि सावधानी पूर्वक चलें, आराम से चलें और कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन ना करें। और अगर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है ना कोई हादसे का शिकार जो है हो जरूर जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटा नुकसान हो चुका है, आगे से इसके नीचे के पहिए ये सब निकल गए, देखिए टंकी वगैरह सब फूट गई है और काफ़ी डीजल भी बह रहा है। गनीमत की बात ये लगी रही कि इसमें जो है आग वगैरह नहीं लगी है। कई बार आपने देखा कि गाड़ियों में आग लग जाती है और पूरी गाड़ी जो है वो तेल से नहा गई है। तो ये देखिए UP 27 जी हमारे शाहजहाँपुर का नंबर है। तो खाली मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी ये गाड़ी खाली होगी उसके बाद में इसको उठाया जाएगा। देखिए डीजल कितना सारा पड़ा हुआ है और नीचे वाला पहिया देखिए, ये कमानी वगैरह सब टूट गई हैं इसकी। और हालांकि बस गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर के चोट वगैरह नहीं लगी, दो लोग उसके अंदर थे और दोनों लोग सेफ़ हैं। और जो जिस कंपनी की गाड़ी है उसके भी लोग आ गए थे और काफ़ी पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। SHO साहब की गाड़ी भी आ गई थी, उन्होंने सब रोका। ये देखिए डीजल कैसे चूरा है, अभी तक चूरा है। तो यहाँ पर जो है जब डीजल चूता है गाड़ी में से तो आग लगने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए साइलेंसर वगैरह सब फूट गया, पूरी गाड़ी जो डीजल में नहा चुकी है। और अभी जो है दूसरी गाड़ी आने का इंतज़ार किया जा रहा है, इन्हीं की कंपनी की दूसरी गाड़ी आएगी तो उसके अंदर जो है ये खाद के बोरे जो है लोड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है क्रेन एक और आएगी अभी यादव जी की, वो इसको दोनों मिल करके जो है फिर सीधा करेंगे। तो वो वीडियो जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और वो देखिए सामने कितनी पुलिस लगी हुई है और पीछे इन्हीं की कंपनी की और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं खाद की जो हैं, क्योंकि ये हमारे लोकल में चलती है। अब खाद की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है हमारे यहाँ, तो वहीं से ये खाद होकर के रेक पॉइंट तक जाती है। देखिए एक क्रेन है, अभी दूसरी क्रेन जो है वो आने वाली है। तो जब दूसरी क्रेन आ जाएगी उसमें अभी टाइम लगेगा आने में और गाड़ी भी खाली होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वीडियो का भी जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए पूरी खाद ही खाद फैली पड़ी है और ये एक साइड का रोड जो है वो पूरा बंद हो चुका है। ये देखिए पूरे एंगल वगैरह सब टूट गए हैं।